Hi, good morning guys, it's Aitakshi Dhanjan and welcome back to my channel. I'm staying with a tent tour, Narmada mein. It's in Narmada is tent ke, uska naam hai. The tent will cost you, wo rehta hai, mujhe pata hai. Aapko kal ka vlog kaisa laga, Unity Statue ka, mujhe comment karke abhi tak. You know, itne comments nahi aaye. But main aapko fir se batana chahungi, 5000 subscriber touch hote hi, I'm gonna give a travel giveaway. Either that will be couple, और सिंगल पर्सन बट देर गोना भी ट्रैवल गिव अवे. अभी मैं आज जाऊंगी शायद राफ्टिंग, क्योंकि राफ्टिंग स्टार्ट है. बट पहले मैं नाश्ता कर लूँ, मैं लेट हूँ, फिर राफ्टिंग. नींद आई अभी भी, बॉडी पेन है. सो मैं आ गई हूँ रिवर राफ्टिंग पॉइंट एंड राफ्टिंग्स वहाँ पे होती हैं. आई डोंट नो यहाँ पर टिकट का क्या सीन है, मैं आपको देख के बताती हूँ. बट इट्स अ काइंड ऑफ पार्क एज वेल. बट मैं इन कपड़ों में इसलिए आई हूँ, लाइक शूज नहीं बट ट्रैकिंग सूट्स काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे पता मैं गीली होने वाली हूँ ड्राफ्टिंग करते वक्त, बहुत गीली. तो गाइस अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा. बट अभी मैं रिवर राफ्टिंग यहाँ भी मिस कर रही हूँ. ऑलरेडी मैं यहाँ ऋषिकेश कर चुकी हूँ. यहाँ पर पता है क्या है गाइस, यहाँ पर ना वो कम है, पानी का बहाव अच्छा है, मगर नीचे ना स्तर कम है, जिसकी वजह से लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं पत्थर से. सो गाइस पर सबसे बेस्ट थिंग, यहाँ पे पिंक ऑटो रिक्शा चलते हैं, फिर लेडीज चलाती हैं, और मैं जा रही हूँ लोकल बस टूर करने के. सामने जो बसेस हैं इसमें और आसपास का, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक्स. और मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने फिर से खड़ी हुई. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कितना भी कर लो पर मूड जो होता है वो ठीक नहीं हो रहा होता. फिलहाल चलते हैं आज बस टूर पे. काफ़ी टाइम पहले बस टूर किया था जब मैं सिंगापुर में थी, बट यहाँ पर टिकट दिखानी पड़ती है. और ये रही चार नंबर गेट ना, बस का नंबर 32 जरवानी. मैंने राफ्टिंग नहीं करी है लेकिन मैं ऑलरेडी राफ्टिंग बहुत बार कर चुकी हूँ. देखते हैं काका लेकर जाती है. विश्वा वन एकता नर्सरी, पूरी बस खाली है, बस सीट जिंदाबाद. राफ्टिंग देख चुके हैं. सो गाइस इनका पहला पॉइंट रिवर राफ्टिंग है जो कि हम देख चुके हैं, इनके टूरिज्म का पार्ट. अब हमारा सेकंड पॉइंट आरोग्य है. हर 20 मिनट में बसेस चलती है अगर आप इनके थ्रू बुक करते हो तो. क्या है रिवर राफ्टिंग, मैं रिवर राफ्टिंग ही है और क्या है, और ब्रिज है एक. क्या बता रहे हो भैया, रिवर राफ्टिंग तरफ क्या है? बर्मा ब्रिज है. वो ब्रिज है ना, बस वो कुछ लोग आ रहे हैं उस तरफ आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं, आई गेस वो वेट कर रहे थे. बसें सुबह 8 बजे से चालू हो जाती है गाइस. सेकेंड डेस्टिनेशन इनका आरोग्य पॉइंट है जो बस में घुमाते हैं, आरोग्य वन, वन विभाग गुजरात, जहाँ पे कुछ योगा के वो लगे हैं पिक्चर्स. तो आरोग्य वन एटलीस्ट ये आपके सामने, ये इतना बड़ा है. मैंने एंट्री करी है जस्ट और मुझे लग नहीं रहा है आज में दिन में कंप्लीट होने वाला मुझसे. एंड यहाँ पे गोल्फ कार्ट अगर आप लेना चाहो तो 100 रुपये पर बंदा पड़, मतलब 100 रुपये पर पर्सन पड़ेगी. सो ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट ही दिखाया है सबसे ज्यादा. अगर आपको गोल्फ कार्ट चाहिए तो ये सामने से मिलती है. अरे ये सुंदर है, बटरफ्लाईज ऑन दी हैंड, कीचड़ मचाई हुई है यार, बटरफ्लाईज ऑन दी हैंड. इसका ऐसे कितना प्यारा बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं और इसको इकोसिस्टम को यहाँ मेंटेन करा हुआ है. रात को कितना सुंदर लगता होगा ना लाइटनिंग के साथ. तो मैं जितनी अंदर जा रही हूँ मुझे घुमाता जा रहा है, जबकि मेरा इसके अंदर घुसने का प्लान तक नहीं था अभी. वाह, और इसने मैं दूसरे सिरे पर छोड़ दिया.
नेचर का सिंबल है, जो ऊपर का है ना वो नेचर का है, नीचे का ह्यूमन का है। Okay. यहाँ सेंटर में से देखोगे ना पीछे जो लिमका ट्री है ना, नीचे के हाथ में वैसा लगेगा, ये सेव ट्री प्लांट का मैसेज है। ओके। और ये अरोमा गार्डन है, अरोमा यानी सुगंध होता है। हाँ। यहाँ सब सुगंधित फ्लावर वाले प्लांटेशन किए हुए हैं। ये बॉर्डर पे जो है ना, ये मधुकामिनी है और ये दिन का राजा है, और ये सभी सोन चंपे है, और यहाँ पे भी है सोन चंपे। और कलर्स भी बनता है, और इससे सभी देसी रोजेस है, जो गुलकन और गुलाब जल बनता है ना, वो देसी रोज में से बनता है। बच्चे लोग और इस साइड है ना लोटस प्लांटेशन किया हुआ था, लेकिन ये दस है ना वो प्लांट को खराब कर देते हैं। अच्छा, इसलिए अगले पॉइंट में प्लांटेशन किया है। लेफ्ट पैर से एंटर होकर राइट से एग्जिट होने वाले हैं, ये उसके मनुष्य के। और जिस थिंग में जो प्लांट यूज होता है ना, वहीं पे मेडिसिनल प्लांट प्लांटेशन किया हुआ है अंदर। ओके। इसमें ना ये पहले मेहंदी है, जो हमारे पैरों की जलन के लिए यूज होता है। दैट्स ऑसम कंसेप्ट। और ये ना गार्लिक वेन है, इसके पीछे निर्गुंठी है, और दोनों जॉइंट पेन के लिए यूज होते हैं। मतलब जो ह्यूमन स्ट्रक्चर बना है वो सारा उस पर बना हुआ, जो ह्यूमन के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। और यहाँ से घुटनों का भाग है, इसमें पहले कपूर तुलसी है, और ये तुलसी राम, तुलसी। राम तुलसी है, और ये नवन तुलसी है। ओके। और ये श्याम तुलसी है, और इसके पीछे ना वो हार्ट जोड़ है, जो हमारे नॉर्मल हड्डियों का फ्रैक्चर होता है ना, उसका लेप लगाने से वो जल्दी रिकवरी दिला देगा। यहाँ मिलता होगा ना वैसे कहीं? कैफेटेरिया लास्ट में है ना सर, वहीं पे सेल करते हैं प्लांट। और अच्छा, किचन गार्डन में? यहीं पे सर लास्ट में। और यहाँ से ना पीठ का भाग है, उसमें पहले सतावड़ी है, वो जननी का दूध बढ़ाने में यूज होता है। और ये अशोका है, पाइल्स और पीपल्स के लिए यूज होता है। और ये नवाच है, वो पेट की पाचन क्रिया को सरल बनाता है। और बीच में जो है ना वो अजवाइन है, वो पेट के रोगों के लिए है। और उसके बाजू में पान कुटी है, वो किडनी स्टोन के लिए यूज होता है। और ये पुनंग नवा है, और यहाँ पे हरी चिली आता है, वो दोनों प्लांट डायबिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। और ये सामने व्हील जो है ना, वो गिलोय है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है। और ये बरा जो ट्री है ना, वो अर्जुन का है, नीचे गुगर है, दोनों प्लांट हार्ट के लिए यूज होते हैं। तभी मैं सोचू मेरी माँ मुझे गलोए का पानी क्यों पिलाती रहती है। सच है। और ये ना अश्वगंधा है, वो हमारे शरीर की वीकनेस दूर करने में यूज होता है। और इस साइड एक पूरा सर का भाग है औषध मानव का, उसमें ना ब्रेन के लिए भ्रामी, जल भ्रामी है, याद शक्ति बढ़ाने के लिए। और कानों के लिए दमरा और धतूरा है, और वारों के लिए अपराजिता, एलोवेरा और गुदान है। और ये ना लॉन्ग पीपर है, उसके बाजू में रखती है, जो गले में अल्सर और छाले ना उसके लिए यूज होता है। और इसका ना एक ऐप है प्ले स्टोर में, आप टेची ऑफ आरोग्यन लिखोगे ना तो ऐसा लोगो आएगा ग्रीन कलर का, आरोग्यन करके कौन सा प्लांट कैसे यूज करना है वो घर जाके भी कर सकती है। और सामने है ना सीढ़िया है, वो अवसर मानव का राइट पेयर है, वहाँ फोटो पॉइंट है, अगर आपको जाना है तो यहाँ से वॉक करके जाना। हम हाथ से निकल गए बाहर गाइस, एक हाथ से घुसने के बाद, नहीं पैर पैर से घुसे थे ना, पैर से घुसने के बाद हाथ से निकल गए घूमते घूमते। और जो फोटो पॉइंट था ना वो राइट पैर, राइट पैर पे हम फोटो पॉइंट पे थे। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो हम नेचर के साथ जुड़ के रहेंगे ना तो ऐसे ही रिलैक्स मूड में रहेंगे, वो मैसेज देते हैं। यहाँ पे वाइट रंग के फ्लावर वाले प्लांटेशन किए हुए हैं, और वाइट रंग ना एक शांति का प्रतीक है। अल्बा गार्डन गाइस, वाइट कलर को बोला जाता है अरेबिक लैंग्वेज में, भारतीय लैंग्वेज में। हम गोल गोल घूम रहे हैं फिलहाल, हम सीधे जा रहे हैं बाहर की तरफ। और इस साइड है ना ये बोगनवेल है, उसको ना रास्ते पे और डिवाइडर पे ज़्यादा प्लांटेशन किया जाता है। अपार्टमेंट ख़त्म होते हुए हम नेक्स्ट जगह जाएंगे, अभी मेरे को बस की वेट करनी पड़ेगी, मुझे लग नहीं रहा 5 बज रहे हैं, बस कहाँ से आएगी। सो गाइस, हम एकता नर्सरी है, बट हम एकता नर्सरी ऑलरेडी एक नर्सरी टाइप हम जा चुके हैं, तो मैं नर्सरी मिस कर रही हूँ, नर्सरी मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि अभी मैं एक पार्क का गार्डन हुआ आई हूँ, तो अब एकता नर्सरी जा सकते हैं एक करावल टू चिलावर की बस पे। और अब हम जा रहे हैं कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन। कैक्टस गार्डन मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ चंडीगढ़ में,
और अब चंडीगढ़ हम जब जीरकपुर थे अब हम जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन में। बटरफ्लाई गार्डन वैसे कभी आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि सिंगापुर में मैं अकेली थी, कोई शूट करने वाला था ही नहीं मेरे साथ, बच्चे थे मेरी जिम्मेदारी पे। नेक्स्ट प्लेस ऑफ द डे इज़ कैक्टस गार्डन। वो ही माँ चुप गया, नहीं चुप रहा ये तो बिल्कुल नहीं चुप रहा, नेक्स्ट वाले ओरिजिनल में ट्राई करते हैं, पर चले वो चुप जाए। द नेक्स्ट प्लेस ऑफ द डे इज़ कैक्टस गार्डन और मोदी जी की फ़ोटो के साथ वेलकम होता हुआ यहाँ पे। मुझे प्यास लगी है, इतने सारे कैक्टस प्लांट। पता है मैंने लास्ट टाइम जीरकपुर में कैक्टस गार्डन कवर किया था, वहाँ पे बहुत टाइप के कैक्टस थे, बहुत ही सारे टाइप के कैक्टस थे। यहाँ पे भी कैक्टस है गाइस, हु डेयर टू टच इट, मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन इसे टच करना चाहता है और कर सकता है। सो गाइस यहाँ पे सिर्फ गोल, गोल वाले कैक्टस हैं और ये वाले हैं। पता है जीरकपुर वाले में कैक्टस की वीडियो देखोगे ना, उसमें बहुत ही टाइप के कैक्टस हैं। देखो नहीं यार ये इतने पॉइंट है इसमें, इसमें पॉइंट कम है, बस इसमें पॉइंट है, ये घुस जाएगा उंगली के अंदर, स्ट्रॉन्ग है, बड़े क्यूट है यार। पता है घर पे कैक्टस नहीं रखते, ऐसे मेरे घर वाले बोलते हैं, बाकी पता नहीं क्यों नहीं रखते, मुझे बताओ कमेंट करके प्लीज़, अगर किसी को पता है घर पे कैक्टस नहीं रखते तो। सारे कैक्टस है गाइस, अलग अलग टाइप के, तो स्नेक है, ये दूसरा प्लांट है, वैसे उस पर सेंसिटिव कुछ लिखा हुआ है, ये तो घर पे रखने वाला वो रबर प्लांट है। यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा, मैं और मेरा कैमरा। पर ये देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, ये वाला कैक्टस क्यूट है। कैक्टस और गार्डन से भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो, और इसके बाद अगर आपको व्यू लेना है तो आप ऊपर का व्यू भी, ऊपर से आके व्यू भी ले सकते हो इसका। तो गाइस कल में से मैं एक इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना चाहूँगी कि जो लिफ्ट है ना वो इनके चेस्ट तक जाती है, वो चेस्ट में एक एरिया है जहाँ से आप व्यू देख सकते हो आस पास का। मुझे पहले डाउट था कि बिल्कुल ऊपर तक जाती है, पर नहीं चेस्ट एरिया तक जाती है। तो गाइस ये लास्ट शो नहीं है दिन का, मतलब डे का, ऑब्वियसली देर इज़ मोर टू गो। मेरे जहाँ स्टे है ना, तो हमने तीन जनों ने बुक करा फ्रेंड्स ने मिलके, तो हमें पड़ा है 48,000 का, क्योंकि हमने प्रीमियम टेंट बुक करा है टेंट टू पे। टेंट टू वन भी बहुत स्मार्ट है, तो इसमें मेरे सारी टिकट्स बुक थी, जिसमें से मैंने सिर्फ, अगर आपको लाइटें जलती हुई दिख रही ना तो वो कैक्टस गार्डन है जहाँ से मैं भी आई हूँ। सो ये डैम शो होगा, डैम का लेजर शो है, वहाँ पर सिटिंग एरिया है पूरा का पूरा, एंड मेरी गाड़ी जस्ट ये पार्किंग में पीछे खड़ी है। तो जो हमने फ्रेंड्स ने पूरा का मिलकर टेंट बुक करा, उसमें हमें इतना बड़ा, मतलब पर बंदा आप लगा लो आपको कितना पड़ेगा विद फूड एंड एवरीथिंग, एंड फूड ट्रैवल एक एक चीज़ इसमें इंक्लूडेड थी राफ्टिंग के साथ साथ। आप अगर मेरे तीन दिन का व्लॉग रेगुलर देख रहे हो, कल आज और परस, मतलब कल का जो डलेगा उसमें आपको पता चल जाएगा। जिसमें से मैंने दो चीज़ें मिस करी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, क्योंकि मैं लेट थी आने में, सुबह शिवरात्रि मंदिर गए थे हम लोग, और फिर मैं मतलब आज राफ्टिंग नहीं करी जस्ट बिकॉज ऐसे ही राफ्टिंग ऋषिकेश इज समथिंग, वो थोड़ा सा राफ्टिंग का वो पत्थर वगैरह थे, तो आई वॉज लाइक मुझे वो पत्थर वाले से, मतलब ऋषिकेश की राफ्टिंग वॉज समथिंग एल्स यार। मैं रेडी तो होके गई थी, बट मैंने पत्थर देखने के बाद मैं कहा नहीं नहीं यार ये थोड़ा सा नीचे से अटैच रहा है। बट आप जरूर ट्राई करना नर्मदा में राफ्टिंग, और गर्ल्स इशूज की वजह से भी ट्राई नहीं करा सच बताऊँ तो, दूसरे रीजन्स। एंड मेरे सामने डाइनो पार्क है, अभी डाइनो पार्क नहीं गई हूँ क्योंकि डाइनो पार्क मेरी लिस्ट में नहीं है अभी, उसके चार्जेस मैं आपको बताऊंगी डाइनो पार्क के कितने हैं, पर फिर भी आप अलग से चार्जेस लेना चाहते हैं तो, पर मैं अभी भी आपको यही बताऊंगी, कि अगर आप आ रहे हो तो एक्सप्रेस टिकट लो इंस्टेड ऑफ आप नॉर्मल टिकट के, अगर आपने अच्छे से सब इन्जॉय करना है। ये शो स्टार्ट होने में भी मेरे पास आधा घंटा है, तब मैं बैठूँगी आराम से और वेट करूँगी शो। Yeah.
पूरी सारी सीट्स वीआईपी थी, मैं यहाँ पे बैठी हुई, सारी सीट्स खाली है गाइस। मैं अकेले एंजॉय कर लिया शो को आज, इट वाज फन। सो गाइस यहाँ पे रोज रात को कल्चर एक्टिविटीज होती है, सो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो, यहाँ की लोकल एक्टिविटीज। जिस प्रॉपर्टी में मैं रुकी हूँ नर्मदा टाइन सेटू में, यहाँ पे स्विमिंग पूल फैसिलिटी भी है, जैसा कि आपको पता मोर देन 100 टेंट्स हैं यहाँ पे। सो गाइस मैं आज का व्लॉग खत्म करते हैं यहीं पे, सामने आंटियाँ बातें कर रही हैं कुछ कुटर 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 कुटर, तो यहीं पे व्लॉग खत्म करती हूँ नर्मदा पे। इनको मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद टाइम मिलता है फैमिली गेट टुगेदर का। गुड नाइट, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लविंग माई चैनल। सी यू टुमारो नई डेस्टिनेशन के साथ।